चलो रेडी साइलेंस नहीं पीछे हाँ पीछे रनिंग आप मानिए ना मानिए मगर मेरी माने भी वो कर दिखाया जो तकरीबन नामुमकिन था। वो मुझे बताइए। आप मानिए ना मानिए मगर मेरी माने भी वो कर दिखाया जो तकरीबन नामुमकिन था। मुझे बताए महाभारत में कहा है कि संसार में सिर्फ दो टाइप की शक्ति होती है, एक तो भाग्य की शक्ति जिसे हम किस्मत या तकदीर कहते हैं, दूसरी कौन सी शक्ति होती है? वो शक्ति जो सच बताएं तो ये कहानी में अगर भाग ने साथ दिया है तो बच्चों की मेहनत भी रंग लाई है। रघु का इलाज शुरू हो गया और माता की कृपा से धीरे धीरे वो ठीक भी होने लगा। अगर आपके पास भी रघु या चमरू जैसा कोई भी अनुभव है तो हमें लिख दीजिए। तब तक के लिए हम आप सब से लेते हैं विदा। अगले एपिसोड में हम आपको फिर दिखाएंगे विश्वास की अविश्वसनीय कहानियाँ। तब तक आप अपने कर्म में सच्चाई लेते हैं ना। किसका है? मैं क्यों देती हूँ देखो और माता तो ये महाभारत से ही चलो रेडी हालेन इसकी रूस फर्स्ट लाइन चीजों ने से हालेन प्लीज ओके पीछे पीछे भाई इसको देना शॉट स्टार्टिंग रोल रोलिंग एक्शन। आप मानिए या ना मानिए मगर मेरी माने भी वो कर दिखाया जो तकरीबन नामुमकिन था। ये पता महाभारत में लिखा है कि संसार में दो टाइप की शक्ति होती है, भाव की शक्ति जिसे हम किस्मत या तकदीर कहते हैं, दूसरी इंसान के मेहनत की शक्ति जो तो कभी कटती नहीं है। पर ये कहानी में सच बताएं तो जहाँ भाग ने साथ दिया वहीं पर बच्चों की मेहनत भी करता है। रघु का इलाज होने लगा और माता के आशीर्वाद से वो धीरे धीरे ठीक भी होने लगा। अगर आपके पास भी रघु या चमरू जैसा कोई भी अनुभव हो तो हमें लिख दीजिए। अब हम आप सबसे लेते हैं विदा। अगले एपिसोड में हम फिर आपको दिखाएंगे विश्वास की अविश्वसनीय कहानियाँ। तब तक अपने कर्म में अच्छाई, वचन में सच्चाई और सोच में सकारात्मकता बनाए रखें जो हमारी अब्बू जी नहीं कर पाते। और हाँ, हमारी मूवी जो आज के दिन रिलीज हो रही है उसे अपने परिवार के साथ देखना मत भूलिएगा। नील बट्टे सन्नाटा। जी हाँ, आप हमारी पिक्चर नील बट्टे सन्नाटा जरूर देखिए क्योंकि हमारी पिक्चर भी यही कहती है कि विश्वास का कोई फर्क नहीं होता लेकिन फर्क बहुत पड़ता है कि नहीं। नमस्कार। स्टैंड बाय एंड एक्शन। देख लिया, यही है कलयुग की मानवता, उसी का खेल बना दिया, मजाक बना दिया जिसने हम सबको बनाया, भगवान तक को नहीं छोड़ा। यही बात तो समझ नहीं आती, एक तो आप बच्चों को भगवान का रूप मानते हो और दूसरी तरफ बच्चे में भगवान क्या? भगवान को पहचान जाना इसका आसान होता तो कोई बात थी? किशन ने क्या कहा है कि हजारों में से कोई एक होता है जो सफलता का प्रयास करता है और उन हजार सफल प्रयासों में से कोई एक होता है जो मेरा सार जान पाता है। अजय यहाँ ना कोई सार जानने वाला था ना कोई प्रयास करने वाला था। बोल क्या बोले? बोलो बैठो आगे। कलयुग की मानवता भगवान तक को नहीं छोड़ा, उसी का मजाक बना डाला जिसने हम सबको बनाया है। मेरी बात तो समझ नहीं आई, एक तो आप लोग बच्चों को भगवान का रूप कहते हो और दूसरी तरफ बच्चे में भगवान। इतना आसान होता भगवान जी को पहचान जाना, तो हम सब नहीं होते प्रहलाद। मुझे बताए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि हजारों में से कोई एक होता है सफलता का प्रयास करने वाला, और उन हजार सफल प्रयासों में से कोई एक होता है जो मेरा सार जान पाता है। और ये लोग जहाँ न सार जानने वाला कोई है और न प्रयास करने वाला, इन इंसानों को एक जीता जागता भगवान मिल गया तो आंखें दिमाग बंद करके अपनी सारी दुख दुविधा उस पर ठेल दी। हाँ, और उस बेचारे बच्चे को भगवान बना के उसको भगवान के पास भेजने में लगे। कम्बल था, सॉरी, एक और करते हैं। देख लिया तजुब की मानवता, जिसने हम सबको बनाया है उसी का खेल और मजाक बना दिया, भगवान तक को नहीं छोड़ा। मेरी बात तो समझ में नहीं। एक मिनट, चलो रेडी, गो, रनिंग, एक्शन। देख ली कलयुग की मानवता, हमने उसका भी मजाक और खेल बना दिया जिसने हम सबको बनाया है, भगवान तक को नहीं छोड़ा। मेरी बात तो समझ में नहीं आती। एक तो हम बच्चों को भगवान का रूप मानते हैं और दूसरा उन्हीं में भगवान। भगवान को पहचानना इतना आसान होता तो हम सब ना होते प्रहलाद। जी बताए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि हजारों में से कोई एक होता है जो सफलता का प्रयास करता है, और उन हजार सफल जे लोग ना सार जानने वाला कोई है और न प्रयास करने वाला, इन इंसानों को एक जीता जागता भगवान मिल गया तो आंखें दिमाग बंद करके अपनी सारी दुख दुविधा उन पर ठेल दी। और उस बेचारे बच्चे को भगवान बनाकर उसको उन्हीं के पास भेजने की तैयारी हो रही। सर ये लास्ट जो दो लाइन है इसका आपको चेंज कर सकते हैं? इसमें प्रसाद डाल देना, आप उसमें है कुछ प्रसाद का आइटम है नहीं मुझे नहीं। और बच्चे को भगवान बनाने के बाद भगवान भगवान दो बार अच्छा लगता है। एक बार पिछले कलयुग की मानवता उसी का खेल और मजाक बना दिया जिसने हम सबको बनाया है, भगवान तक को नहीं छोड़ा। यही बात तो समझ में नहीं आती। एक तो आज जब बच्चों को भगवान का रूप मानते हो और ऊपर से बच्चों में ही भगवान भगवान एक मिनट बच्चों को आप भगवान का रूप मानते हो, दूसरी तरफ बच्चों में भगवान का नहीं पकड़ा। एक तरफ तो आप बच्चों को भगवान का मानते हो और दूसरी तरफ बच्चों में ही भगवान का नहीं, वो भगवान बनाने का वही किया ना, बच्चे को नहीं छोड़ा जिसने हम सबको बनाया है, भगवान का भी खेल और मजाक बना दिया। यही बात तो समझ में नहीं आती। एक तरफ तो बच्चों को हम भगवान देख ली कलयुग की मानवता, हमने उसी का खेल और मजाक बना दिया जिसने हम सबको बनाया है। यही बात तो समझ में नहीं आती है। एक तो बच्चों को हम भगवान का दूसरा रूप मानते हैं और दूसरी तरफ बच्चे को ही भगवान बनाते हैं। भगवान को पहचानना बेटा, सॉरी, एक्शन। देख ली कलयुग की मानवता, हमने उसी का खेल और मजाक बना दिया जिसने हम सबको बनाया है, भगवान तक को नहीं छोड़ा। यही बात तो समझ में नहीं आती। एक तो बच्चों को हम भगवान का दूसरा रूप मानते हैं और दूसरी तरफ बच्चे को ही भगवान बनाने का झूठ मानते हैं। भगवान को पहचान लेना इतना आसान होता तो हम सब नहीं होते प्रहलाद। मुझे पता है श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि हजारों में से कोई एक होता है सफलता का प्रयास करने वाला, और हजारों सफल प्रयासों में से कोई एक होता है जो मेरा सार जान पाता है। जे लोग यहाँ न सार जानने वाला कोई है और न प्रयास करने वाला, इन इंसानों को एक जीता जागता भगवान मिल गया तो आंखें दिमाग बंद करके अपनी सारी दुख दुविधा उन पर ठेल दी। और बेचारे बच्चे को भगवान बना के भगवान की तरफ पूजने में उसके पास भगवान के लगे पहुँचाने में लगे सारी। ये लाइन आखिरी इन इंसानों को जीता जागता भगवान मिल गया तो आंखें दिमाग बंद करके अपनी सारी दुख दुविधा उन पर ठेल दी। और बेचारे बच्चे को भगवान बनाकर भगवान के पास भेजने में लगे। होगा। एक तरफ लोगों में संपत्ति तो दूसरी तरफ पिता का प्यार, अब दोनों में से कौन गलत था ये सवाल था। जब चौबीस सच में डॉक्टरों के साथ मिलकर अपने बच्चे का सौदा कर रहा था या असल में बेचारे बच्चे को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी थी। अरे लेकिन उधर माँ का तुझे तुम्हें तुम दिलवा के पढ़वा दूँ, पर जिन लोगों को कौन पढ़ाए या समझाए। महाभारत में बुजुर्ग जी ने कहा है गुरु की श्रद्धा की तो गुरु की तरफ पिता का प्यार। अब सवाल ये था कि दोनों में से गलत कौन था। गलत है एक तरफ गुरु की श्रद्धा की तो दूसरी तरफ पिता का प्यार, दोनों में से गलत कौन था। लोगों को कौन पढ़ाए या समझाए। भारत में गुरु जी ने कहा था कि सभी परिवार बचाने के लिए एक सदस्य का त्याग करना हो। हाँ ये थाली का है, थोड़ा थोड़ा आगे कर लो। राम राम, हाल समाचार ठीक है तुम्हारे? कट 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 कट। नमस्कार, हाल समाचार ठीक है तुम्हारे? अगेन नमस्कार, हाल समाचार ठीक है तुम्हारे? ये याद है जो कहानी चल रही है? अरे भोपाल के पास के उस छोटे से गांव में बहुत बड़ा करिश्मा हो रही है। रघु है नहीं है? अरे रघु अपना इसकी शकल लाल हो रखी है, पूरा गांव भर उसे भगवान मान रहा है। अभी हमें ये नहीं पता कि वो सच में भगवान है कि क्या है, लेकिन लल्ले ने बहुत सारे चमत्कार कर रखे हैं, बहुत सारे लोगों की तो तबीयत तक ठीक कर रखी है लल्ले ने। सॉरी यहाँ से लेना नाइडो जी नहीं जो देगी तुमने क्या। राम राम, हाल समाचार ठीक है तुम्हारे? ये याद है ये कहानी जो चल रही है? अरे भोपाल के पास के इस छोटे से गांव में बहुत बड़ा करिश्मा हो रही है। तो रघु है नहीं है? अरे रघु अपना जिसकी शकल लाल हो रखी है, पूरा गांव भर मान रहा है कि रघु भगवान है। अब ये हमें नहीं पता कि रघु भगवान है या क्या है, पर लोग उसकी शक्ति और चमत्कार से बहुत प्रभावित हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों की तो तबीयत ठीक कर रखी है लल्ले ने। अरे अपनी अम्मा की जान बचा ली भरे गांव के सामने। जलते हुए अंगारों पे नंगे पाँव चल पड़ी थी उसकी मैया और एक छाला तकना पड़ा। तो मजे की बात ये है कि जहाँ पूरा गांव उसकी पूजा कर रहा है, उसकी अम्मा उसकी पूजा कर रही है, वहीं उसके बाप को विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरा बेटा भगवान है। तो लोग बाप की शंका पर घास तक नहीं डाल रहे और रघु के भक्तों की तादाद दिन ब दिन रॉकेट हो रखी है। रॉकेट जिसने रघु का खून निकाला था। अरे यही तो जानना है हमें आज के इस एपिसोड में, और साथ ही साथ ये भी देखना है कि लक्ष्मी और चमरू का बेटा जिसे आज तक यहाँ से लेते पर बाप की शंका को कोई घास तक नहीं डाल रहा और रघु के भक्तों की तादाद दिन ब दिन रॉकेट हो रखी है। रॉकेट है कि नहीं? डॉक्टर तो क्या हाँ सही तो जानना है कि वो डॉक्टर लल्ले का खून लेके कहाँ भग गया, और साथ ही साथ ये कि लक्ष्मी और चमरू का बेटा जो कल तक नीची जात का बोल के दुपकारा जाता था, वो और कौन कौन से चमत्कार दिखा रही है। ये दोनों एपिसोड नंबर 1 का भगवान ना बता दे। Rolling. पागल है क्या? पागल नहीं है, इंसान है। और इंसान होते ना, इन पे हमेशा भूत सवार रहता है। पहले भगवान बना के पूज रहे थे, अब खून चुरा के भग रही हैं। तो बेहतर इस लल्ले का खून चुरा के भगों क्या? करेगा क्या उसका? अरे कहीं उसका खून पी के खुद को भगवान ना बताने लगे, हैं? लेकिन ये पल्ले नहीं पड़ गया। उस डॉक्टर ने अपनी जान को जोखिम में डालकर उस सुंदर के यहाँ से लेकर पागल हो गए हैं क्या? पागल नहीं, पागल हो गए, पागल है क्या? कितने बड़ी पागल नहीं है इंसान। पागल है क्या? पागल नहीं है, इंसान है। और इंसान जो होते हैं ना, उन पे हमेशा भूत ही सवार रहता है। पहले पूज रहे थे भगवान बना के, अब खून चुरा के भूली हैं। तो बात है, लेकिन वो डॉक्टर के जल्ले खून तो करेगा क्या? अरे कहीं खून पीकर खुद को भगवान ना बताने लगे, हैं? ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। अपनी जान को जोखिम में डालकर उस डॉक्टर ने उस लल्ले का खून क्यों चुराया? अपना गुज्जा बनाता है। कबीर दास थे ना, अरे कबीर दास बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने कहा था कि माटी का एक नाग बना के लोगे पूज। सॉरी, यहाँ से बसेरा पड़ेगा। पर ये बात मेरे पल्ले में पड़ी। उस डॉक्टर ने अपने जान को जोखिम में डालकर उस लल्ले का खून क्यों चुराया? पर भक्त क्यों क्या बना बताए? कबीर दास थे ना, जानती है, और महान ज्ञानी थे कबीर दास। उन्होंने कहा था कि माटी का एक नाग बना के पूजे लोग डुबाया, और जिंदा नाग जो घर से निकले ले लाठी धमकाया। जिंदा बाप कोई न पूजे, मरे बाद पूजवाया। मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को बाप बनाया। इसका मतलब है कि जो है उसकी कदर नहीं करेंगे, और जो नहीं है उसे सर पे बैठा देंगे, है कि नहीं? जो दुनिया का हिसाब किताब है तुझे नहीं समझ आएगा। तो यार हिसाब किताब तो वैसे भी हमको नहीं समझ में आता। पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन ये मैथ्स ना, मैथ्स हमको नहीं आता। मैथ्स की पढ़ाई कर दिया कर। तुझे नहीं पढ़ा दिया करो। मुझे तुम कैसे पढ़ाओगे? तुम तो सुधार ही नहीं पढ़े हो। मुझे तमीज़ पढ़ाने के लिए ना मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। ये तो होंगे ना, मैं बहुत स्मार्ट रखी है। और वैसे भी बहुत जो है तेरे क्लास में भाई, इस उम्र में स्कूल जाना ये मेरा खास अनुभव है। सर यहाँ से भी चलेंगे। भाई इस उम्र में स्कूल जाना ये मेरा खास अनुभव है, और ज़िंदगी भर मस्ती काटना ये पूजी का खास अनुभव है, और बेचारे रघु पे जो बीत रही है ये उसका खास अनुभव है। भाई अपना खास अनुभव अपना ही होता है। तो आपके पास अगर कोई खास अनुभव है तो हमें लिख भेजिए। क्या है भाई, इस उम्र में स्कूल जाना ये मेरा खास अनुभव है, और ज़िंदगी भर मस्ती करना और मौज काटना जो अप्पू जी का खास अनुभव है, और बेचारे रघु पे जो बीत रही है वो उसका खास अनुभव है। भाई अपना खास अनुभव अपना ही होता है। तो अगर तुम्हारे पास कोई खास अनुभव है तो हमें लिख भेजिए। और इसके बाद अब हम कल भी मिलेंगे इस अविश्वसनीय कहानी की आखिरी अध्याय के साथ। सॉरी, विश्वास के अविश्वसनीय। भाई इस उम्र में स्कूल जाना जो मेरा खास अनुभव है, और पढ़ाई बिल्कुल ना करना और सारे टाइम मौज काटना जो अप्पू जी का खास अनुभव है, अब बेचारे रघु पे जो बीत रही है तो उसका खास अनुभव है। भाई अपना खास अनुभव अपना ही होता है। तो जो अगर तुम्हारे पास कोई खास अनुभव है तो हमें लिख भेजिए। और अब हम फिर आपको कल मिलेंगे इस विश्वास की अविश्वसनीय कहानी के आखिरी अध्याय के साथ। तब तक आप अपने कर्म में अच्छाई, वचन में सच्चाई और सोच में सकारात्मकता बनाए रखें। ये तो नहीं कर पा रही हैं, आप कम से कम कोशिश कर लीजिए, है कि नहीं? अरे हाँ, और हमारी पिक्चर रिलीज हो रही है कल तुम्हारे शहर में, सब परिवार जाके हमारी पिक्चर नील बटे सन्नाटा देखो ना। क्यों? आपको बताइए क्यों? क्योंकि विश्वास का कोई तर्क नहीं होता। क्यों? आपको बताइए क्यों? क्योंकि इसलिए कि कल हमारे फिल्म। क्यों? आपको बताइए क्यों? क्योंकि फिल्म में ही यही बोला गया है बड़े ही मज़ेदार तरीके से कि विश्वास का एक तर्क नहीं होता, पर फर्क बहुत होता है। हाँ, ये बात। चलो फिर, नमस्कार। One more? किनको देखना है? बोलिए। मुबारक मैम, कांग्रेचुलेशन की अपकमिंग फिल्म। थैंक यू। ठीक है, तो मैम ये जो है एक फिल्म के बारे में कुछ बताइए। वेल, मेरी फिल्म नील बटे सन्नाटा आ रही है 22 अप्रैल को, पूरे इंडिया में रिलीज़ हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेकर, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत कहानी है। नील बटे सन्नाटा में मैं स्वरा भास्कर चंदा का किरदार करती हूँ। चंदा एक 15 साल की बेटी की माँ है, जी हाँ, और एक नौकरानी है, मतलब बाई है, घरों में काम करती है वो। और चंदा खुद 10th में फ़ेल है और अब उसकी बेटी अप्पू, जो बहुत ही बड़ी ढीठ है, वो भी 10th में फ़ेल होने वाली है। और चंदा का एक ही सपना है कि मेरी बेटी की ज़िंदगी वो ना हो जो मेरी थी। तो बहुत ही इस छोटी सी प्यारी सी माँ बेटी के रिश्ते के थ्रू हमने सपनों के बारे में एक कहानी बताई है, जो बहुत ही मनोरंजक है, मज़ेदार है, और जो मुझे लगता है हम सबकी कहानी है, क्योंकि 2 चीज़ें हम सबकी ज़िंदगी में हुई हैं, डांट खाना और सपने देखना। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप हमारी फिल्म नील बटे सन्नाटा ज़रूर देखिए थिएटर में। जैसे आपने बताया आपकी मूवी हो रही है 22 अप्रैल को जी, तो उसके अगेंस्ट एक 2 मूवी और है जी, वन नाइट स्टैंड सनी लियोनी की और सेकंड है नाल, जो रणबीर हुडा है। तो आपको लगता है नहीं ये चीज़ के आपके फिल्म पे कुछ असर पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है वो सारी फिल्में बहुत अलग अलग जॉनर की हैं जो भी रिलीज़ हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि ऑडियंस को हर किस्म की फिल्म पसंद है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई कॉम्पिटिशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। और हमारी फिल्म अच्छी फिल्म है और हमें अपनी फिल्म पर पूरा भरोसा है। आपकी कुछ आने वाली मूवीज़ की जो अपकमिंग मूवी है? अभी तो मेरा सब कुछ नील बटे सन्नाटा के इर्द गिर्द है। इसके बाद मेरी एक और फिल्म आ रही है अनारकली आरा वाली, जो बहुत ही, ये भी बहुत अच्छी फिल्म है। इसमें मैं बहुत ही अलग किरदार प्ले कर रही हूँ, एक देसी छमिया टाइप की, देसी रॉक स्टार का, वो भी बहुत अच्छी कहानी है। और इसके बाद मैं 1-2 और फिल्में साइन कर रही हूँ, लेकिन वो मैं अभी आपको बताऊँगी नहीं, क्योंकि वो उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जैसे हमें पता चला है कि हिसाब से एक मैंगो मूवी नाम की भी आप मूवी करने वाले हो। मैंगो हो गई, वो शूट हो गई, पोस्ट, उसका पोस्ट पे काम चल रहा है। ओके, सो मैं बताना चाहता हूँ, आप जैसे प्रमोशंस करने के लिए आप जैसे आए ये शो में आए, तो आपने ये शो को क्यों चुना? क्योंकि आई थिंक कि ये शो जिस किस्म की कहानियाँ बताता है, इसका जो थीम है वो हमारे फिल्म की थीम से और एसेंस से बहुत मिलता जुलता है। ये शो बेसिकली विश्वास की ताकत की कहानियाँ बताता है, और हमारी फिल्म में भी यही कहानी है कि एक ऐसे इंसान की विश्वास की कहानी है जो हर तरीके से मतलब उसके पास कोई ख़ास साधन नहीं है, लेकिन उसकी शक्ति, उसका सपना और उसका विश्वास ही है। और मैंने देखा था कि आपको शूट करते करते आपके पैरों में छाले आ गए थे, तो इतना डिफ़िकल्ट होता है? हाँ, आई थिंक नहीं, अभी नहीं आए हैं, पैर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ हमने शूट करते हुए काफ़ी मेहनत करी। आई थिंक सब लोग करते हैं, स्पेशली जब आप रियल लोकेशन में शूट करते हैं तो काफ़ी मुश्किल होती है, बट ठीक है, काम है, करना पड़ता है। अच्छा मैम, और जाते हुए कुछ दर्शकों? मैं जाते हुए सारे दर्शकों को यही कहूँगी कि हाय दोस्तों, मैं हूँ स्वरा भास्कर, मेरी फिल्म नील बटे सन्नाटा रिलीज़ हो रही है 22 अप्रैल को। प्लीज़ हमारी फिल्म देखें आप 22 अप्रैल को, या फ्राइडे सैटरडे को थिएटर में, ना कि यूट्यूब पे, अपने फ़ोन पे या यूटोरेंट पे। इसे पिक्चर हॉल में जाके देखें, अपने परिवार के साथ जाके देखें, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या अगर आप किसी को पसंद करते हो और उन्हें पटाने की कोशिश करें, लड़का या लड़की, ज़रूर हमारी फिल्म जाके देखना उनके साथ, क्योंकि बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। थैंक यू सो मच।